Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद, मैं हूँ साकिब अल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करेंगे। अपने पहले दौरा अमेरिका में वो क्या पैगाम दे रहे हैं, तफसीलात आज के शो में। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, तो शुरू करते हैं व्यू 360। क्या बैन अक़वामी ताकतों के साथ ईरान का जौहरी मुआहदा खतरे में है? फ्रैंकली दैट डील इज एन एम्बैरेसमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इस्लामाबाद का अमन का पैगाम एक इंटरनेशनल फिल्मी मेले के जरिए। वी कैन लिव टुगेदर विदाउट वॉर। और हेल्थ सेगमेंट में मस्नूई आंखों की कहानी। न्यूयॉर्क में जारी अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी खिताब करेंगे। अमरीका की नई अफगान पॉलिसी में तनकीद का निशाना बनने के बाद ये पाकिस्तान के लिए आलमी प्लेटफॉर्म पर अपना मौकफ वाज़ेह करने का पहला मौका है। इस वक्त हमारे साथी असद हसन न्यूयॉर्क में हैं। असद, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर में कौन से अहम निकात सामने आने की तवक्को की जा रही है? जी बहुत शुक्रिया सारा। आज प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मौका है उनके लिए, शाहिद खाकान अब्बासी के लिए, कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े करें। खासतौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो जनूबी एशिया पॉलिसी में खासतौर पे जो जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान के ऊपर आयद की थी और जिस तरह की एक तरह से इंतबाही ज़ुबान में पाकिस्तान को यह मुतला किया था कि उसको हर सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो सेंचुरीज़ हैं, मुबैना सेंचुरीज़ हैं, उनका खात्मा करना होगा। सो उसके बाद वो यहाँ पर एक बयानिए के साथ आए हैं और अब देखना यह है कि वो इस तरह से लोगों को यहाँ पे कन्विंस करते हैं। हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, बाकायदा तौर पे उनकी स्पीच के कुछ पॉइंट्स अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा उनका यहाँ पे वो जोर देंगे, पाकिस्तान की पोजीशन वाजे करेंगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की उनके बकौल क्या कुर्बानियाँ रही हैं। इस लिहाज से कुछ बयानिया ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा जो पाकिस्तान रिवायती तौर पर देता आया है। अच्छा, और दूसरा जी 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 जी, इसके अलावा पाकिस्तान का खासतौर पे जो वो ये बात भी करना चाहेंगे जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसमें अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात, अफगानिस्तान का अमन और ख़ासतौर पे जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालात हैं उसको वो ब्रैकेट करना चाहेंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के साथ। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तहकीकी इदारे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में भी बहुत से सवालात का सामना किया, अमेरिकन मीडिया में भी बहुत बात हो रही है उस पर, कुछ उसके भी समरी हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए जो अहम पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पर वाज़े किए। सारा, बेसिकली आज जो यूनाइटेड नेशन में उनका एड्रेस है जिसके कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कल का जो खिताब था सीएफआर में, ये आप ये समझ सकते हैं कि वो आज के उनके खिताब का प्रीव्यू था। उसमें इन तमाम इन इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे बात की है, भारत की अफगानिस्तान में इंगेजमेंट पे बात की है, अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के ऊपर बात की है, तालिबान को पीस प्रोसेस में लाने के ऊपर बात की है, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो इंटरनल इशूज़ हैं खासतौर पर जो गवर्नेंस से मुतालिक हैं, जमहूरियत से मुतालिक हैं, उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है, पाकिस्तान के इकनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को वो भी उन्होंने बयान किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फोसिस जो है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर होता है, वो पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी से मुतालिक था। वो पाकिस्तान के अंदर जो मुबैना दहशतगर्द अस्करियत पसंद ग्रुप्स हैं खासतौर पे जैसे हकानी नेटवर्क के बारे में कहा जाता है, ये सवाल यहाँ पे भी उठाया गया। इस फोरम के अंदर आप जानते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के लोग थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता असातिज़ा थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, जर्नलिस्ट थे। सो यही वो सवाल थे जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कहना चाहिए कि मंजरनामे में रखते हैं। सो हकानी नेटवर्क से मुतालिक सवाल किया गया, इसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हकानी नेटवर्क को या पाकिस्तान के अंदर कोई भी अस्करियत पसंद नेटवर्क को, उसको किसी की हिमायत हासिल नहीं है, ना गवर्नमेंट की, ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की, और उनके खिलाफ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ साथ उनसे जब ये भी सवाल किया, इसी रेफरेंस में हमने भी उनसे ये पूछा बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है या बॉर्डर मैनेजमेंट है, इनकी तरफ से, अपनी तरफ से एक ये तजवीज़ आई थी शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलके मुश्तरका तौर पे बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। बारे में असद, उन्होंने वहाँ पे कुछ जो बयानात दिए वो भी हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, तो हम इस मौके पर अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को वो दिखाना चाहेंगे कि खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सीएफआर में इस बारे में क्या कहा। ये राय कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें हैं बिल्कुल गलत है।
हमने अपने इलाके में दुश्मन को शिकस्त दी है और इनकी पनाहगाहों को तबाह कर दिया है। आज सरहद पार से अगर कोई हमले हो भी रहे हैं तो वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जानिब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हो रहे हैं। अच्छा, जो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और ये अपना मौक़िफ़ दिया कि अफगानिस्तान की जानिब से ही सिर्फ पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, सरहद की मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू था जिस पे वहाँ पे भी बात हुई, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में क्या टोन इख्तियार की कल वज़ीर-ए-आज़म ने? एक चीज़ इसमें काबिल ज़िक्र है सारा, जब यहाँ आने से पहले वो ये बात कर रहे थे वो भी और उनके वज़रा भी कि पाकिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर लाएगा, सो इससे ये एक इशारा मिल रहा था कि वो अमेरिका को एक ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम अपने तई जहाँ पे लूप होल्स हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इस फोरम पर और आज अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम के ऊपर भी बज़ाहिर लगता यही है कि वो पाकिस्तान का जो पुराना बयानिया है वो उसी को एंडोर्स करेंगे, उसी की तौसीक करेंगे कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ, ताल्लुकात की जहाँ तक वो बात है वो ये समझते हैं कि ये 72 साल से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात चले आ रहे हैं, 70 बरस से 7 दहाइयों से, और इसको सिर्फ अफगानिस्तान के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, बायलिट्रल कोऑपरेशन है और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान और अमेरिका की तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। और कहते हैं कि इवन डोनाल्ड ट्रंप वाली तकरीर या स्पीच के बाद आगे बढ़ने की जरूरत है और इसी चीज़ पर उन्होंने बताया कि ये फोकस रहा माइक पेंस के साथ उनकी मुलाकात में भी। और आपको भी वहाँ पर एक सवाल करने का मौका मिला है बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, उसका जवाब भी इस वक्त हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, लेट्स टेक अ लुक। We are open to any suggestions that the Afghans may have. हम अफगान्स की जानिब से किसी भी किस्म की तजावीज़ सुनने को तैयार हैं। हम मुश्तरका गश्त और मुश्तरका चेक पोस्ट की तजवीज़ दे चुके हैं। इस वक्त सैकड़ों किलोमीटर तवील बॉर्डर पर एक भी अफगान सिपाही मौजूद नहीं और ये इलाका मंशियात का कारोबार करने वालों के लिए एक पनाहगाह बन चुका है। बहुत शुक्रिया असद, आपने अक़वामे मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर से हमें अपडेट दी। अब देखना यही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आज के अपने खिताब में क्या कहते हैं। और जनरल असेंबली के सालाना इजलास में ईरान के साथ नई अमरीकी इंतजामिया की कशीदगी का मामला भी तवज्जो का मरकज है। इसकी बड़ी वजह ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर साल 2015 में होने वाला वो इंटरनेशनल माहिदा है जिस पर सदर ट्रंप कड़ी तनकीद कर चुके हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी के इस रद्द अमल के तनाजुर में जो उन्होंने सदर ट्रंप की ईरान पर सख्त तनकीद के बाद जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पर दिया, इस माहदे के मुस्तकबिल पर उठने वाले सवाल भी इस वक्त आलमी सरबराहान की तवज्जो का मरकज है। मजीद तफसलात लेते हैं अमान अजहर से। अमान, मौजूदा हालात में अमरीका ईरान जौहरी माहदे का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? जी, फिलहाल तो ये बात हो सकती है कि जनरल असेंबली के जो जायज़ा है वहाँ पे क्या इस हवाले से अहाता किया गया, तो ये मैं आपको बताते चलूँ कि ये मसला इस वक्त सिर्फ आलमी सरबराहान ही नहीं बल्कि यहाँ वाशिंगटन में जो थिंक टैंक्स हैं और जो माहरीन हैं उनकी भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बुध को इस तरह के इशारे वाशिंगटन से आए और अमरीकी हुकाम की जानिब से जिसमें कहा गया कि अभी इस बात पर गौर खोज जारी है कि क्या ये डील अमरीकी मफादात या सिक्योरिटी इंटरेस्ट में है या नहीं, जबकि बुध ही को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ईरान के सदर हसन रूहानी की जानिब से कहा गया कि सदर ट्रंप के सख्त के मौक़िफ़ के बावजूद भी वो ये समझते हैं कि अमरीका इस माहदे की पासदारी करेगा और इस डील से बाहर नहीं निकलेगा। बुध ही को इसके अलावा ईरान और अमरीका के वज़राए खारजा और दीगर जो आलमी ताकतें हैं उनके सरबराहान के दरमियान एक तवील बातचीत हुई, लेकिन ये वाज़े नहीं हो सका कि ये मामला अभी फ़िलहाल किस नहज पर जाएंगे। ये याद रहे कि दोनों ईरान और अमेरिका के वज़राए खारजा के दरमियान ये सदर ट्रंप के इक्तदार में आने के बाद पहली मुलाकात थी। इन्हीं तमाम तफसीलात का हमने अहाता किया इस रिपोर्ट में, पहले आइए वो देख लेते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने दुनिया भर के सरबराहान को बावर कराया कि जौहरी डील का ताल्लुक एक या दो ममालिक से नहीं बल्कि तमाम बैन अल-अक़वामी बरादरी इसकी पासदार है। मैं ऐलान करता हूं कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इस माहदे की खिलाफ वर्जी करने वाला पहला मुल्क नहीं होगा, लेकिन वो किसी भी दूसरे मुल्क की जानिब से खिलाफ वर्जी की सूरत में फैसला कुन और भरपूर जवाब देगा। नहायत अफसोसनाक होगा कि ये माहदा आलमी सियासत में आने वाले नए और सरकश खिलाड़ियों के बायस टूट जाए। रूहानी का इशारा सदर ट्रंप की जानिब था जिनका एक दिन पहले सरबराहान के सामने मौकिफ था कि ईरान पर से जौहरी हथियारों की तैयारी को रोकने के इवज इक्तसादी पाबंदियों के खात्मे का मुआहिदा अमरीका की जानिब से बदतरीन फैसला था। Frankly, that deal is an embarrassment to the United States, and I don't think you've heard the last of it. Believe me. सदर ट्रंप का बुध को कहना था कि उन्होंने ईरान डील पर फैसला कर लिया है। इस माहदे में शामिल दीगर पांच ममालिक चाहते हैं कि माहदे को कायम रखा जाना चाहिए।
اس معاہدے سے دستبرداری بہت بڑی غلطی ہوگی. اس معاہدے کی پاسداری نہ کر پانا ہمارے اعتبار سے غیر ذمہ دارانہ فیل ہوگا, کیونکہ یہ ایک بہت اچھا معاہدہ ہے. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو ایسے وقت میں امن کا ضامن ہے جب معاملات کا ہاتھ سے نکل جانا ممکنات میں سے ہے. نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر روحانی نے یقین دلایا کہ ایران اس معاہدے کی ناکامی نہیں چاہتا اور زور دیا کہ معاہدے میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی عمارت کے مانند ہے جس کے فریم سے اگر آپ ایک اینٹ بھی نکالیں تو تمام عمارت گر جائے گی. لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کی دستبرداری سے معاملات یکسر بدل جائیں گے. اگر کوئی اس معاہدے سے نکلتا ہے اور معاہدے میں کیے گئے وعدوں سے انحراف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم کوئی ایسا بھی قدم اٹھانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوں گے جو ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. ایران جوہری معاہدے سے متعلق خدشات کے پیش نظر نیو یارک میں جمع عالمی سربراہان معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سے روابط بڑھا رہے ہیں. جی آپ نے رپورٹ دیکھی. اسی حوالے سے بدھ کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو اگلے یا نئے صدر کے لیے چھوڑا جائے, اور ساتھ ہی ایسے اشارے بھی مل رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ جو سرٹیفیکیشن ہے کہ ایران اس معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے اس پر دستخط نہ کریں, جیسا کرنے کی صورت میں یہ معاملہ پھر کانگریس کی جانب جائے گا کہ وہ اس ڈیل کے مستقبل کے بارے میں دیکھیں. اور ساتھ ہی کچھ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ اس معاہدے کی جو شرائط ہیں ایران کے اوپر عائد اس کو سخت بنانے کے بھی حامل ہیں کے حق میں ہے. اب ہوتا کیا ہے اس کا سبھی کو بے چینی سے انتظار ہے. جی امان اظہر ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے کیپٹل ہل سے, تھینک یو امان. میکسیکو کے دارالحکومت میکسیکو سٹی میں دو روز قبل آنے والے شدید زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری ہے. زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.1 ریکارڈ کی گئی تھی. اس وقت وائس آف امریکہ کے نمائندہ سیلیا مینڈوزا میکسیکو سٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. سیلیا, واٹ از دا سچویشن لوکنگ لائک آن دا گراؤنڈ رائٹ ناؤ؟ Right now we have seen a lot of people on the streets of Mexico. We have closures and rescues going on. As you can see behind me, this is the school, the famous school now in the Enrique Resmel, where 25 people were taken out without a life. They were bodies that were taken out, 21 children included in that number. As of right now, we know that 11 children were saved after the earthquake, but now we have identified 3 children that are inside this building. One of them has been called or named Frida Sofia, 12-year-old. They communicated with her parents according to the information that has been given here through WhatsApp, and I was able to, in a way, being able to contact their parents. Now, one of the issues that rescuers have had is the sound. On the top of the building, as you can see, is rubble, but it's also writing with a spray painting that says silence, no helicopters, no drones. And the reason they do that is because they need to make sure that their rescuers can hear the people and can start their process. And all of that happening while we have other earthquakes happening. Yesterday, we registered one for 4.6 in the town of Oaxaca, and that generated that these rescuers had to stop for a little while. So, Celia بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ریسکیو جاری ہے, لوگوں کو عمارتوں کے ملبے تلے سے نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. اور سیلیا اس وقت ایک ایسے اسکول کے باہر کھڑی ہیں جو کہ عالمی خبروں کا حصہ بنا ہوا ہے. یہ وہ اسکول ہے جہاں سے 25 افراد کی لاشیں نکالیں گے جن میں سے 21 بچے تھے. لیکن اچھی خبر اس وقت یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ 3 ایسے بچے ہیں جن کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں. ان بچوں نے واٹس ایپ کے ذریعے اپنے والدین سے رابطہ کیا ہے, جنہوں نے پھر ریسکیو ورکرس کو ان کی موجودگی کا بتایا ہے. ایک بڑا ایشو جس کا ریسکیو ورکرس کو سامنا ہے وہ ہے شوروغل. تو جگہ جگہ پہ اب یہ سائنز لگائے گئے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے, ڈرونز اڑانا منع کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو عمارتوں کے ملبے تلے سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں ان کی آواز ریسکیو ورکرز تک پہنچ سکے. سنس اے لاٹ آف بلڈنگز ہیو کولیپسڈ سیلیا, ڈو دی ریسکیو ورکرز ہیو دی مشینری دیٹ دے نیڈ ٹو پل پیپل آؤٹ؟ That is exactly what they're trying to do. 39 buildings since Mexico City have collapsed. Many of them right now are in the process of being rescued. And so areas they're trying to start the process of going with machinery. However, they have a group called Los Topos. And those groups are specific men and women that are trained to go underground into the tunnels that pretty much the rubble creates. They were famous in 1985, which is 32 years ago, when they had a huge earthquake. It actually happened at this earthquake and the anniversary of that one. And they also have different machines. Actually, in this case of the little girl, they have a machine that can identify the temperature as well as the vibration to know where she was.
तो ऐसी मशीनरी लाई जा रही है जो कि न सिर्फ मलबा उठा सके बल्कि जो जमीन के अंदर थरथराहट हो रही है मलबा हिलने जुलने से या किसी की मूवमेंट से उसका भी वो अंदाजा लगा सके। लेकिन खास तौर पर सेलिया ने एक ऐसे मर्द और खवातीन के एक ऐसे ग्रुप का जिक्र किया जो कि मलबे के अंदर जाके लोगों को निकालने में एक्सपर्ट है। 1985 में जब मेक्सिको सिटी में एक बहुत भयानक जलजला आया था तब भी इसी ग्रुप ने मदद की थी। सेलिया, दिस पॉइंट व्हाट्स गिविंग होप टू दीज फैमिलीज दैट आर वेटिंग फॉर देयर लव्ड वंस? The fact that in the past few hours we have seen people come out, specifically in this school, they said that they are doing the process to try to take some children out. We have seen a lot of movement in the past few hours. We have been told that they need pediatricians to try to get here, and that is a sign that they need attendance to children as soon they come out. Yesterday I was present in one of the locations in another part of town where they rescued two women, and that definitely gives hope to families. They believe that their family members are still alive, and they are holding on to that hope, especially in those areas where the authorities are trying to use machines to try to move the rubble, because that will definitely means that their family members will not come out alive. तो इस वक्त जो बात उन लोगों को उम्मीद दे रही है जिनके प्यारे मलबे तले दबे हुए हैं वो ये है कि पिछले कुछ घंटों के दौरान मजीद लोग मलबे से निकाले गए। जैसे सैले ने बताया इस वक्त भी एक छोटी बच्ची है जिसके रेस्क्यू की कोशिश जारी है और गुज़िश्ता रोज़ भी दो खवातीन मलबे तले से निकाली गई। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं ये लोगों को उम्मीद दे रही हैं। लेकिन बहरहाल दरमियान में रेस्क्यू एफर्ट्स इसलिए भी रोकनी पड़ी कि एक और छोटा सा जलजला आया जिसके झटके महसूस किए गए, लेकिन रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं और उम्मीद यही है कि मजीद लोग मलबे तले से जिंदा निकाले जा सकेंगे। सैलिया, थैंक यू वेरी much for this update, and we hope that more positive good stories can come out of this incident. Thank you very much. और आज दुनिया भर में यौम अमन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से पाकिस्तान के फिल्मी मेले में आपको ले जाएंगे शो में आगे चलकर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल के दौरान पोलियो के पहले केस के सामने आने पर एक रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और हफ्तावार हेल्थ सेगमेंट भी शामिल है आज के प्रोग्राम में। लेकिन पहले एक नजर डालते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों पर वर्ल्ड व्यू में। सदी का सबसे बड़ा तूफान कहलाने वाला मरिया नामी तूफान पोर्टोरिको में तबाही मचाने के बाद आज डोमिनिका रिपब्लिक से टकराएगा। पोर्टोरिको में तूफान के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से जजीरे की 33 लाख की आबादी अंधेरे में डूब गई। हुकूमत ने इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। इराकी वजीर आजम ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने दाइश से हवेजा के इलाके का कंट्रोल वापस लेने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। एक हफ्ता कब्ल अमरीकी और इत्तेहादी फौज ने फिजाई हमलों में दाइश के अड्डों को निशाना बनाकर इन्हें कमजोर कर दिया है। फिलिपाइन में सदर रोड्रिगो की मनुष्यात के खिलाफ कार्रवाइयों और दीगर पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। फिलिपाइन के सदर एहतजाज जारी रहने की सूरत में पूरे मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे चुके हैं। टैलेंट शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट का मुकाबला 12 साल डार्सी लेन ने जीत लिया। डार्सी ने पुतलों को अपनी खूबसूरत आवाज देकर आवाम के सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। शो का फाइनल अब तक इसकी तारीख का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फाइनल था। वर्ल्ड व्यू हमने देखा। अक्वामे मुत्तहिदा की एक करारदाद के तहत 1981 से हर साल 21 सितंबर यानी आज के दिन यौम अमन मनाया जाता है ताकि लोगों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिशों को फरोग दिया जा सके। और सारा इसी मुनासबत से इस्लामाबाद में इस हफ्ते एशिया अमन फिल्म मेला मुनक्किद किया गया जिसमें अफगानिस्तान, भारत और ईरान समेत कई ममालिक की फिल्में पेश की गईं। इस मेले में हमें ले जा रहे हैं मोहम्मद इश्तियाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर ने इस मुल्क में बसने वालों को महज जानी और माली नुकसान ही नहीं पहुंचाया, बल्कि यहां सकाफती सरगर्मियों को भी बुरी तरह मुतासिर किया। अब जबकि किसी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया है, पाकिस्तान के मुस्बत तशखस को उजागर करने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में एशिया अमन फिल्म मेला मुनक्किद किया गया। यहाँ का माहौल इससे पहले साजगार नहीं था, अब पाकिस्तान अमन की तरफ बढ़ रहा है, हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है बड़ी हद तक, तो इस अमन के साथ अब मुख्तलिफ मैदान जो बंजर हो गए थे वो आबाद हो रहे हैं। मारूफ फिल्म नकाद एजाज गुल कहते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान की फिल्मी सनत के लिए बल्कि खित्ते में क्याम अमन की जरूरत को उजागर करने के लिए भी इस तरह के फिल्मी मेले की अशद जरूरत थी। पाकिस्तान में बहुत कम फिल्म फेस्टिवल्स हुए हैं और इस लेवल का फेस्टिवल जहां पे गैर ममालिक के डेलीगेट्स आए हुए हैं और 100 से ज्यादा फिल्में चल रही हैं,
ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। फिल्म के सब्जेक्ट जो हैं वो पहले ही फिल्म मेकर्स से पूछ के वो फिल्में चुनी गई हैं जिनका मौजू जो है वो पीस, पॉपुलेशन, पावर्टी और पोल्यूशन, विमेन, बच्चे, ये इनके सब्जेक्ट्स हैं। ये सब पीस से को रिलेट करते हैं। अफगान फिल्म डायरेक्टर सायरा करीमी ने भी अम फिल्म मेले में शिरकत की और वो पुर उम्मीद नजर आई कि इस तरह की काविश खत्ते के ममालिक को एक दूसरे का मौकफ समझने और उन्हें करीब लाने में मददगार साबित हो सकती है। I think for the region, especially South Asia, peace is very important. मेरे ख्याल से खासतौर पर जनूबी एशिया के खित्ते के लिए अम इंतहाई जरूरी है क्योंकि हमें अपने ममालिक में तनाज़ात का सामना है, खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। लिहाजा अम के मौजू को सामने लाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को एहसास हो कि हम अम के साथ और जंग के बगैर रह सकते हैं। We can live without conflict. We can live together without war. एक तवील तातुल के बाद पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि फिल्म और मौसीकी समेत मुल्क की सकाफत के रंगों को दोबारा बहाल करके दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ना दुरुस्त नहीं और ये कि यहाँ के लोग भी अमन चाहते हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। दुनिया भर में लाखों लोग मस्नूई आँख इस्तेमाल करते हैं लेकिन आम तौर पर शीशे की बनी हुई होती है और साफ पता चलता है कि ये असली नहीं। आज हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं कि किस तरह माहिरीन अब ऐसी मस्नूई आँख तैयार कर रहे हैं जिसे कोई भी आँख धोखा खा जाए। 12 साल हेली मोर की एक आँख पैदाशी तौर पर कमजोर थी लिहाजा उन्हें 3 बरस की उम्र ही से मस्नूई आँख का सहारा लेना पड़ा। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मेरी आँख मस्नूई है, ये बिल्कुल नॉर्मल लगती है। इससे कबल मस्नूई आंख शीशे से बनाई जाती थी लेकिन आजकल शीशे से कहीं हल्के एक्रिलिक से बनाई जाती है जो हादसाती तौर पर गिरने से टूटती नहीं और आसानी से मतलूबा शक्ल में ढल जाती है। आंख के मसल्स इसके पिछली तरफ जुड़ जाते हैं जिससे ये मस्नूई आंख कुदरती आंख की तरह हरकत करती है और पहचानी नहीं जाती। जब मस्नूई आंख की इब्तदाई शक्ल तैयार हो जाती है तो चश्मसाज इसे असल के करीब तर बनाने की कोशिश में लग जाते हैं और हर छोटी से छोटी तफसील को भी अपने हाथों से बनाते हैं। ऐसे अफराद के लिए रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ नौकरी की तलाश भी काफी मुश्किल हो जाती है, यही वजह है कि ये लोग खुद को मुआशरे से अलग थलग महसूस करते हैं। गीलन जो ऑस्ट्रेलिया में काम करती हैं, कहती हैं कि असल आंख से करीब तर मस्नूई आंख बनाने में महारत के लिए 4 साल की तरबियत दरकार होती है लेकिन इसके लिए कोई तरबियती कोर्स नहीं होता बल्कि मस्नूई आंख बनाने के माहिरीन अपना हुनर इसे सीखने में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को सिखाकर आगे मुंतकिल करते हैं। कीलन जल्द ही रवांडा, पापुआ न्यू गिनी और नेपाल के एक ग्रुप के लिए तरबियत का इनेकाद करेंगी और चूंकि टेक्नोलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है तो ये मुमकिन है कि अब मस्नूई आंख को डिजिटल तरीके से तैयार कर लिया जाए। बिलाखिर ये होगा कि लोग स्टेम सेल्स के जरिए अपनी नई आंख उगा सकेंगे, कुछ भी मुमकिन है, क्या पता। ताहम मुस्तकबिल करीब में तो ये मस्नूई आंख ही कई अफराद के लिए बेहतरीन हल है। सादिया असद, उर्दू VOA। और डॉक्टर से कहना है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद मदद पहुंचने तक हर एक मिनट जो जाया होता है उससे मरीज के बचने का इम्कान 7 से 10% तक कम हो जाता है और ऐसे में डिफिब्रिलेटर नामी आला जिंदगी और मौत के दरमियान एक लकीर साबित हो सकता है क्योंकि इससे दिल को इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचाकर धड़कन बहाल की जा सकती है। नॉर्वे में ये आला दूर दराज इलाकों तक अब ड्रोन के जरिए पहुंचाने का तजुर्बा किया गया है और देखा यह गया है कि ये एम्बुलेंस के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा जल्दी मरीज तक पहुंच जाता है जिससे उसके बचने के इम्कान में भी खातिरखा इजाफा होता है। बिल्कुल सारा, लेकिन इस कोशिश को कुछ रुकावटों का सामना भी है जैसे कि परवाज और लैंडिंग के वक्त इस ड्रोन की निगरानी कैसे की जाए और ये कि ड्रोन जो है बाहिफाजत ये आला मरीज तक और जहां हादसा हुआ है वहां तक पहुंचाया जा सके। वेल, ये था हमारा आज का व्यू 360। अब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।